नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ टमाटर की चटनी। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा सरसों का तेल, जिसमें मैंने जीरे का तड़का डाला है, उसमें थोड़े से कटे हुए प्याज और थोड़े से कटे हुए अदरक को मिक्स कर दिया है। थोड़े से करी पत्ता मैं इसमें ऐड करूँगी, अगर आपके पास फ्रेश करी पत्ता हो तो आप उसमें डालें। थोड़ा सा हल्दी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। अब इन सबको अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। थोड़े से हरी मिर्च यहाँ पे मैंने डाला है। हरा मिर्च यहाँ पे डालने का रीज़न ये है कि हरा मिर्च पहले डालने से उसका टेस्ट अलग होता है और इस समय डालने पे उसका टेस्ट अलग सा आता है। अब यहाँ पे मैंने कटे हुए टमाटर को ऐड कर दिया है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो भी आपको चीज़ें पसंद हो वो डालें। यहाँ पर हरे लहसुन मैंने डाल दिए हैं काट कर। सभी को मिक्स कर लेना है। अब हम यहाँ पे नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, मगर टमाटर की चटनी में नमक थोड़ा सा ज़्यादा रहता है तो अच्छा लगता है खाने में। वैसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे रखें। इसे मैंने ढक दिया है थोड़ी देर के लिए ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए, और इसे ढक कर हम इसे भूनेंगे। अब यहाँ पर मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। यहाँ पर मैंने एक चम्मच चाट मसाला भी ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ, तीखे वाले, काश्मीरी मिर्च ये नहीं है। और आप प्याज लहसुन हरी मिर्च की क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चटनी बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ पे हमने हरा धनिया ऐड कर दिया है जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में मुझे बताइए एक बार बनाइए इसे कि आपको ये चटनी कैसी लगी। आप पूरी, पराठा, चावल सबके साथ ये चटनी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है, अमेजिंग चटनी है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए।